दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी विस्लेरी अपना कारोबार बेचने जा रही है। विस्लेरी अपना कारोबार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हाथों बेचने की तैयारी कर रही है। 7,000 करोड़ रुपए में ये डील होगी। विस्लेरी इंटरनेशनल के मालिक रमेश जे चौहान ने इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उत्तराधिकारी के अभाव में वो अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं। अंबानी परिवार, अरबपति कारोबारी हिंदुजा ब्रदर्स के बीच संपत्ति को लेकर सालों तक चले विवाद आपको याद होंगे। कारोबारियों और उद्योगपतियों के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की 7,000 करोड़ की संपत्ति को संभालने से इनकार कर दिया। बेटी ने पिता के कारोबार में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 30 साल पुरानी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया गया। पैकेज्ड वाटर कंपनी बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान अपनी कंपनी को टाटा के हाथों बेचने जा रहे हैं। बिस्लेरी बेचने के अपने फैसले से रमेश चौहान बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस कंपनी को उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं है जिस तरह से उन्होंने अब तक इसे संभाला है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती है, जिसके कारण उन्हें अपना कारोबार बेचना पड़ रहा है। आइए हम आपको उनकी बेटी जयंती चौहान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान 37 साल की है। जयंती चौहान के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो बिस्लेरी इंटरनेशनल की 22 चेयरपर्सन है। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उन्होंने बिस्लेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में साल 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत की गई। उन्होंने बिस्लेरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी के एड और मार्केटिंग की कमान जयंती संभालती है। कंपनी में ऑटोमोशन प्रोसेस की शुरुआत जयंती ने अपने नेतृत्व में ही करवाई है। दोस्तों, जयंती बिस्लेरी ब्रांड को चमकाने में अहम रोल निभा रही है। कंपनी के एड कैंपेन के अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर उनका फोकस रहता है। बिस्लेरी के अलावा जयंती बिस्लेरी मिनरल वाटर, वेदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिस्लेरी हैंड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो मार्केटिंग के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में खास रुचि रखती हैं। कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन में वो सक्रिय रूप से शामिल हैं। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई के अलावा न्यूयॉर्क में बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है, जिसके बाद वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए लंदन चली गई। उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने फैशन स्टाइलिंग का कोर्स भी किया है। जयंती अभी लंदन में रहती हैं। विस्लेरी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में कंपनी के 122 ऑपरेशनल प्लांट हैं, जबकि 4500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क फैला है। बिस्लेरी कंपनी को बेचने की खबर आते ही ये मीडिया की सुर्खियां बन गई। लोग जयंती के बारे में सर्च करने लगे। उन्होंने क्यों कंपनियों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फैशन से जुड़े कारोबार पर फोकस करेंगी। वहीं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जयंती ने बस इतना लिखा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उनके इस पोस्ट पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लोग उनके कामों की तारीफ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।